प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच्चाई को जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जो सच्चाई मीडिया ने नहीं दिखाई। मेरा नाम क्वालिफिकेशन मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हो? मैं 38 इयर्स की हूँ और जब मैं अपनी मम्मी की कोख में थी तब से मैं डेरा आ रहा हूँ। क्या आपने कभी कुछ डेरा में गलत होते हुए देखा है? नहीं, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं और आज तक हमने कभी कुछ गलत नहीं देखा। इवन मेरे परिवार में मेरे ब्रदर, मेरे भाभी एक्स स्टूडेंट है और मेरी ये बेटी है, ये भी एक्स स्टूडेंट है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी डेरा के स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं आपके बच्चे, तो सुनने में आया है कि मीडिया ने बताया था कि यहाँ की स्कूल्स कॉलेज की लड़कियाँ सेफ नहीं है और अच्छे कॉलेज स्कूल्स नहीं है, बच्चों को अच्छी स्टडी नहीं दी जाती। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, लोग अपनी क्या क्या बातें करते हैं बिना देखे, जो कभी डेरे गए भी नहीं है वो भी ऐसे डेरे के बारे में बोलते हैं। कम से कम आकर देखो, पहले हमसे पूछो, उसे हमसे सुनो। बेटा, आप किस गेम में मेडल लेके आए हो? आप किसकी प्रेरणा से, आपका कोच कौन था? मैम, जैसे कि बताया गया कि लड़कियां सेफ नहीं है डेरा के अंदर, मीडिया कहती है, बाहर के लोग कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मीडिया तो जो कभी डेरे आए नहीं, वो लोग 5 लोग 7 लोग टीवी पर डेरे के बारे में गलत बोलते हैं। हम देखते हैं आप कितनी करोड़ों दुनिया यहाँ पर आती है, क्या उन्होंने कभी हमसे पूछा आकर कि आप क्यों आते हैं, क्या मिलता है हमें यहाँ पर? आज आपका अपने गुरु के प्रति कैसा विश्वास है? हमें अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास है और वो मरते दम तक रहेगा और बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ रहा है। गुरुजी समाज में नहीं है तो इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? गुरुजी वैसे तो वो हमेशा हमारे अंग संग है, लेकिन क्योंकि गुरुजी हर हफ्ते करोड़ों लाखों लोगों को नाम दाम देकर नशा छुड़वाते थे, कन्या भ्रूण हत्या नशा वगैरह छुड़ाते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है और आप देख रहे हैं हमारे आस पास कितने बुरे काम हो रहे हैं, लोग नशे की तरफ फिर से जा रहे हैं। और इवन जो लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि हम नाम लेंगे और छोड़ेंगे, वो भी अब फिर वापस नशे की ओर जा रहे हैं, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी वीडियो द्वारा, जो लोग आपको अंधभक्त कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनसे? अंधभक्त होता है कि जो बिना देखे बिना सोचे किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही आ रहे हैं और हमने खुद अजमाया है, देखा है, हमारी पिछली पीढ़ी भी डेरे से जुड़ी हुई है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी डेरे से जुड़ी हुई है और हम हम अंधभक्त नहीं है लेकिन हम भक्त हैं। ये था वो सच जो हम आपने लोगों की जवानी देखा। हम किसी सूत्रों के द्वारा आपके तक कोई न्यूज नहीं पहुंचा रहे, हम डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं। ये वो लोग थे जो डेरा सच्चा सौदा में काफी लंबे समय से जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ये क्या बता रहे हैं और मीडिया ने सूत्रों के हवाले से आप तक क्या न्यूज पहुंचाई। हम किसी सूत्रों के हवाले से नहीं, डायरेक्ट न्यूज, डायरेक्ट लोगों से बात आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसी खबरें जानने के लिए, सच्ची बातें जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ।